वेलकम इन माय चैनल एंजॉय कुकिंग एंड लर्निंग। हे किड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोग का क्लास वन का चैप्टर टू। चैप्टर वन मैंने पढ़ा दिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने, सारे बच्चों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, यूज ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर टू। हाँ तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ते हैं यूजेज ऑफ कंप्यूटर। व्हाट कैन वी डू व्हाट विथ अ टीवी, हम लोग टीवी के साथ क्या करते हैं। वी कैन लिसन टू म्यूजिक, वॉच कार्टून एंड मूवीज टू। लुक एट मेघा, सी इज एंजॉयिंग अ कार्टून फिल्म ऑन हर टीवी। यहाँ बता रहा है आप लोग को कंप्यूटर का क्या यूज है। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, या फिर टीवी में हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कि टीवी में आप लोग क्या करते हो। आप लोग सबसे ज्यादा कार्टून देखते हो, है ना, और मूवीज भी थोड़ा बहुत देख लेते हो। तो वही बता रहा है कि ये टीवी में हम लोग क्या करते हैं। टीवी में हम लोग गाना सुनते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं। ये जहाँ जो बैठी है ना, ये मेघा है और ये कार्टून फिल्म देख रही है अपने टीवी में। यहाँ देखिए, यहाँ कार्टून चल रहा है ना, रैबिट है, ट्रीज है, तो कार्टून मूवी चल रहा है, ये वही एंजॉय कर रही है। वी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग ये सब चीज भी कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर में, है ना। वी कैन सॉल्व सम, प्ले गेम्स, टाइप एंड इवन मेकिंग ड्राइंग अप कंप्यूटर, ड्राइंगिंग ऑन अ कंप्यूटर। बोल रहा है कि मैंने पिछली क्लास में आप लोग को चैप्टर वन में पढ़ाया था कि हम लोग कंप्यूटर में सम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने दिखाया भी था आप लोगों को कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है ऐड। उसमें गेम भी खेल सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और हम लोग ड्राइंग भी बना सकते हैं, है ना, वही बताया गया है। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग गेम भी खेल सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें ये एक गेम है, इसमें चेस खेला जा रहा है, एक गेम है इसमें कार रेसिंग है, इसमें क्रिकेट है, इसमें बास्केटबॉल है। तो ये इस तरह का कार्टून के जैसा बना बना गेम आता है जिसे कि बच्चे इंजॉय करते हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं इसमें। बट हम लोग टीवी में तो ये काम नहीं कर सकते ना, सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में ये काम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या दिया, टाइपिंग। जस्ट लाइक वी राइट ऑन पेपर यूजिंग अ पेन और पेंसिल, वी कैन राइट ऑन द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड। हम लोग को बोल रहा है जैसे पेपर में हम लोग पेन और पेंसिल का यूज से कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग नोटबुक बनाते हो, उसमें मैम जो भी पढ़ाती है आप लिखते हो, जो भी मैथ्स बनाना होता है वो बनाते हो। बट हम लोग कंप्यूटर में तो पेन और पेंसिल यूज नहीं कर सकते ना, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, जोर से बोलो। यस, गुड, कीबोर्ड से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग कीबोर्ड से ही लिख सकते हैं। और आगे देखिए हम लोग को कीबोर्ड के बारे में क्या बताया है। बताया है द कीबोर्ड हैज मेनी कीज, जैसा कि पिछले बार तो मैंने आप लोग को दिखाया ही था। अगर आप लोगों ने मेरा पहला क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट वन देख लो, फिर आप इसे देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो मैं आगे देख बताती हूँ। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं। दीज कीज आर मार्क्ड विथ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। बोला जा रहा है ये कीज जो है ना, लेटर, नंबर और सिंबल, वो भी मैंने पिछले बार जितना जो भी बताया था वही सेम यहाँ दोहराया हुआ है। आप प्लीज़ पार्ट वन देख लेना, कंप्यूटर पार्ट वन चैप्टर वन का, तो आप लोगों को उसमें मैंने प्रैक्टिकली भी सब कुछ दिखाया है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीज कीज आर प्रेस टू राइट वर्ड्स एंड नंबर ऑन अ मोनिटर, दिस इज कॉल्ड टाइपिंग। जो हम लोग मैंने देखिए, मैंने यही दिखाया था, तो ये हम लोग टाइप करते हैं, नंबर और वर्ड्स मैंने इसमें टाइप किया है, ये हम लोग का टाइपिंग कहलाता है। जो भी मैं यहाँ लिखती हूँ ना इसके थ्रू, उसे हम लोग टाइपिंग कहते हैं, यही आप लोग को बोला गया है। वी कैन राइट लेटेस्ट पोएम एंड स्टोरीज बाई टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड, हम लोग इसमें टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने हाई डियर किड्स लिखा था, इसमें मैं और भी जो चाहूँ लिख सकती हूँ, है ना, कुछ भी, पोएम भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हो इसमें। लुक एट ईशान, ही इज राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड, दिस इज कॉल्ड टाइपिंग। ये देखिए ईशान बैठा हुआ है, ये टाइप करके कुछ लिख रहा है कंप्यूटर में, इसीलिए इसे टाइपिंग बोला जाता है। जो भी हम लोग टाइप करते हैं ना लैपटॉप में कीबोर्ड के थ्रू, वही हुआ हमारा टाइपिंग। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नहीं, मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेकिंग ड्राइंग्स। वी कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग द माउस,
हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसे कलर भी कर सकते हैं कंप्यूटर में माउस के थ्रू। मैंने माउस दिखाया था ना, ये होता है माउस, इसके थ्रू हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ जो सैली नाम की लड़की है ना, वो माउस का यूज करके, देखिए इसका हैंड है ना माउस पे, इस तरह से रखा जाता है, ठीक है, और वो यूज करके कंप्यूटर पे ड्राइंग बना रही है। यहाँ आप लोग को एक अच्छा सा खुद से फ्लावर बनाना है मॉनिटर पे और कलर करना है। रुकिए मैं आप लोग को पेंट में दिखाती हूँ। नाउ यू सी किड्स, हम लोग पेंट खोल लिए हैं, ये रहा हमारा पेंट। इसमें आप लोगों को दिखाया गया है बुक में, आप देखिए कि इसमें एक कैट का पिक्चर बनाई है सैली। सैली इज यूजिंग माउस टू ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर, व्हाट सी ड्राइंग, कैन यू गेस। तो आप लोग गेस करके बता सकते हो ये कैट है। सो चलिए हम लोग इसमें कुछ बनाते हैं पेंट में। हमारा ये पेंट खुला हुआ है, अब हम लोग मान ले के यहाँ से ये देखिए आप लोग का शेप आर्ट है, इससे हम लोग कोई भी शेप ले सकते हैं। तो चलिए मैं कौन सा लूँ, शेप ये लेती हूँ और इसे हम लोग यहाँ इस तरह से बना देते हैं, और एक और लेते हैं, उसे हम लोग यूँ इस तरह से करके इसे उठा के देखिए इस तरह से हम लोग कर देंगे। इसमें हम लोग फिर छोटा 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 सा एक आँख बनाएंगे, है ना, अच्छा लग रहा है ना। अब हम लोग यहाँ से देखिए एक पेंसिल लेंगे, ये रहा हमारा पेंसिल, और पेंसिल से इसका आँख में एक पॉइंट कर देंगे इस तरह से है, और फिर हम लोग इसको बनाए तो क्या चिड़िया बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये लिया इसे ऐसे, ये बन गया इसका चोच, है ना, और हम लोग इसका अब पूंछ भी बनाएंगे, ये रही इसकी टेल। हाँ ये देखिए, ये रही इसकी टेल ऐसे ऐसे, और अब इसका लेग, इसका फेदर बनाते हैं हम लोग, ये रहा इसका फेदर, यहाँ से हम लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे, इसका पैर, अब पैर भी एक बना देते हैं हम लोग छोटा सा, है ना, इस तरह से आप पैर भी बना सकते हो इसका, है ना, अच्छी लग रही है ना। अब चलिए हम लोग इसमें कलर फिल करते हैं। मान ली कि मैंने ये कलर लिया, यहाँ से हम लोग ये बकेट लेंगे, ये बकेट उठाया, हम लोग इसमें येलो डाल दिए, इसमें कौन सा कलर डालोगे आप बताओ। चलो मैं पिंक डालती हूँ, आपको जो मन होगा वो डाल देना। और इसका पंख में कौन सा कलर डालोगे, तो चलो हम लोग येलो ही डालते हैं इसका पंख में, ये येलो येलो, ओह शिट, यहाँ खुला हुआ था इसलिए पूरा येलो हो गया, ये जहाँ भी खुला रहेगा बाबू तो ये पूरा में फैल जाएगा, इसलिए तुमको ध्यान देना होगा बच्चों कि ये ऐसा खुला नहीं होना चाहिए। ये रहा इसका, हाँ भी इस तरह से करके हम लोग बना लेंगे। और हम लोग चोंच में कौन सा कलर, आईज में कौन सा डालें, ब्लैक, देखो कैसा लग रहा है, नाइस ना, हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, ये हो गया। और बाकी में हम लोग कोई अच्छा सा वाइट कलर ही डाल देती हूँ मैं वापस से, ये हो गया, कैसा है, नाइस। तो इस तरह से तुम लोग कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब चले आगे हम लोग पढ़ें, है जैसे कि ये देखिए मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया था, है ना, अच्छा आपको भी इसी तरह से जैसे मैंने चिड़िया बनाया, आप चिड़िया के जगह पे कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। मैंने भी उसे अपने स्टूडेंट को सिखाया था, उसके बाद देखिए उसने कितना सुंदर सा फ्लावर बनाया है। यू हैव टू डू दिस ऑल्सो, ओके।
नेक्स्ट वी आर गोइंग, ये रहा आपका होमवर्क। तो आपको एक अच्छा सा ड्राइंग बनाना है और उसे अपने मॉम डैड को दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्विंग सम्स, वी कैन ऑल्सो सॉल्व सम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन सॉल्व डिफरेंट सम्स इजीली इन अ मैटर ऑफ अ सेकेंड। कंप्यूटर में हम लोग को, मैंने दिखाया था ना आप लोग को कैसे सॉल्व किया जाता है सम, पार्ट वन में, मतलब चैप्टर वन में मैंने दिखाया था कि कितना इजीली हम लोग कंप्यूटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं। तो लुक, यहाँ देखिए विवेक नाम का ये लड़का है जो कि कंप्यूटर पे बैठ करके कि कैलकुलेटर में जा करके मैथ का होमवर्क कर रहा है, यानी सॉल्व कर रहा है सम। तो आप भी मैथ का होमवर्क कर सकते हो इससे इजीली, बट यू हैव नॉट टू डू दिस, बिकॉज आप लोग ऐसा करोगे तो फिर आप लोग का मैथ स्ट्रांग नहीं होगा। हम लोग को तो मैथ स्ट्रांग करनी है, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग बनाना है अपना खुद का, है ना। सो हम लोग मैथ्स खुद से बनाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बाबू। लिसनिंग टू म्यूजिक, वी कैन प्ले सॉन्ग्स एंड लिसन टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। मैंने आप लोग को ऊपर दिखाया था ना स्पीकर, ये देखिए स्पीकर, लुक यह ना स्पीकर, इससे ये देखिए म्यूजिक निकल रहा है, इसमें गाना बजा है, ये भी कनेक्टेड है सीपीयू से, मैंने दिखाया था आप लोग को सब कुछ। ये भी कनेक्टेड होता है, मॉनिटर भी, कीबोर्ड भी, माउस भी, स्पीकर भी, दोनों सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो स्पीकर से गाना का आवाज निकल रहा है, गाना इसमें बज रहा है, ठीक है। और ये देखिए आप लोग पार्टी कर रहे हो, सारे बच्चे पार्टी कर रहे हो, है ना। चलो अब आगे बढ़े, आगे क्या दिया आप लोग का बुक में, आगे दिया है वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज। आप लोग भी देखते हो ना मूवी और कार्टून कंप्यूटर में। वी कैन वॉच कार्टून्स एंड मूवी ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर जस्ट लाइक वी डू ऑन द टीवी। जिस तरह से टीवी में हम लोग कार्टून और मूवीज देख सकते हैं ना, उसी तरह से हम लोग मॉनिटर में भी देख सकते हैं। बट टीवी तो है ही, मॉनिटर का जरूरत क्या है देखने का, आप लोग टीवी में ही देखो, बट हम लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को बता रही हूँ। सीमा हैज कॉल्ड हर फ्रेंड्स ओवर टू वॉच ए कार्टून फिल्म ऑन द कंप्यूटर। सीमा ये जो है ना, वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही है कि हम लोग कार्टून देख रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, देखने के लिए वो बुलाई है। प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, वैसा जगह जहाँ कंप्यूटर यूज होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर आर वेरी पॉपुलर, दे आर यूज एट मेनी प्लेसेस सच एज स्कूल्स, होम्स, ऑफिस, शॉप्स, बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स। हैव यू सीन कंप्यूटर इन योर स्कूल, डू यू हैव वन एट होम, लेट अस सी हाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट स्कूल एंड होम। बोल रहा है बच्चों कि कंप्यूटर जो है ना बहुत ही पॉपुलर है और इसका बहुत जगह पे इसका यूज होता है, सच एज आप लोग स्कूल में भी देखे होंगे, आपके घर में भी होगा, ऑफिस में भी होता है, जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, मॉल होते हैं, वहाँ भी होते हैं। आप लोग मॉम के साथ कभी मॉल गए हो तो वहाँ जब बिलिंग कराने के लिए लाइन में खड़े होते हो तो आप लोग देखे होंगे कि मॉनिटर के द्वारा ही वहाँ बिलिंग किया जाता है ना, देखे हो ना, कौन कौन देखा है हाथ खड़े करो, गुड, तो सबने देखा है, ओके। बैंक में भी आप जाते हो, एटीएम में जाते हैं पापा कभी, तो आप कभी गए हो तो देखे हो ना, एटीएम में भी मॉनिटर होता है जिसमें हम लोग टाइप करते हैं हम लोग को कितना अमाउंट चाहिए, क्या क्या सारा डिटेल उसमें डालना होता है ना। और हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ भी मॉनिटर होता है ना, देखते हो ना, उसी से बिल बना के देता है ना। तो कितनी जगह यूज होता है ये। चल, और आपने तो स्कूल में तो देखा ही है, आप लोग का लैब रूम जो होता है उसमें भी देखा है आपने। तो हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह से यूज होता है ये स्कूल और घर में। तो एट स्कूल, स्कूल में देखिए कैसे यूज होता है। कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल फॉर टीचिंग इन क्लास। कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक टेस्ट पेपर्स, कैलकुलेट टेस्ट मार्क्स एंड इवन क्रिएट रिपोर्ट कार्ड्स। कंप्यूटर जो है बहुत ही यूजफुल है हमारी पढ़ाई के लिए, है ना। मैम जो टेस्ट पेपर तैयार करती है आप लोग का, उसमें भी मैम का मदद करता है ये। मैम जो आप लोग का एग्जाम देते हो, कॉपी चेक करती है, मार्क्स आप लोग को देती है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करने के लिए मैम इसका यूज करती है स्कूल में, कंप्यूटर का, है ना।
ये देखो इस तरह से चार्ट के थ्रू बता रही है कि कितना प्रोग्रेस किया है बच्चा। ये देखो मैम काम कर रही है, क्रिएटिंग रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड बना रही है मैम, यहाँ मैम पढ़ा रही है ग्राफ के द्वारा। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है एट होम, हम लोग घर में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, एट होम कंप्यूटर्स कैन बी यूज फॉर डूइंग होमवर्क्स एंड मेकिंग प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट। घर में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, कौन बताएगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। कंप्यूटर में हम लोग होमवर्क करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं ना। जब तुम लोग और बड़े हो जाओगे तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो उसमें तुम लोग को यूज लगेगा और उसमें तुम लोग बनाओगे। दे कैन ऑल्सो भी यूज टू सेंड ईमेल्स, और पापा देखो इससे मेल भी करते हैं, मम्मी भी मेल करती है। ईमेल उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक मेल्स। ठीक है, ईमेल्स आर लेटर सेंड यूजिंग अ कंप्यूटर। ईमेल के थ्रू लेटर भेजा जाता है दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कंप्यूटर का यूज, यानी कि कंप्यूटर से कंप्यूटर में भेजा जाता है ईमेल। दे आर सिमिलर टू द लेटर्स यू पोस्ट एट द पोस्ट ऑफिस। ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी डाल देते हैं, लेटर डाल देते हैं और फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। सेम लाइक ईमेल होता है कि हम, मैंने अगर किसी को कुछ बताना चाह रही हूँ कुछ लेटर के जैसा, तो मैं ईमेल में लिख दूंगी और जिसे मैं भेजूंगी उसे वो इजिली मिल जाएगा, है ना। तो देखो जैसे ये एक बॉय है ना, वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है, और ये जो लड़की है वो किसी को मेल भेज रही है। दोनों अपना अपना काम कर रहा है, और दोनों कहाँ हो रहा है काम बच्चों, मॉनिटर पे। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर मैनर, जो कि पिछले क्लास में भी आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, अब चैप्टर 2 में भी आप लोग पढ़ लो कंप्यूटर मैनर के बारे में। Often you may have to share a computer in the lab with your classmates. Share the computer and work together so that you can finish the work given to you by your teacher on time. इसमें बोल रहा है बच्चों आप लोगों को कंप्यूटर शेयर करके लैब में क्लासमेट्स के साथ काम करना चाहिए, और ताकि आप लोग साथ में काम करो तो काम जल्दी से फिनिश हो जाए और टाइम पे आप लोगों मैम को दिखा सको, है ना। इसलिए हम लोग को शेयरिंग और कैरिंग सीखना चाहिए। तो आप लोग भी शेयरिंग कैरिंग करोगे ना? या आई नो मेरे किड्स जरूर करेंगे, सो हम लोग शेयर भी करेंगे। ओके तो चलिए हम लोग का तो ये भी चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। ट्रिकी टर्म्स है, ईमेल क्या होता है मैंने अभी बताया, दीज आर लेटर सेंड यूजिंग अ कंप्यूटर। हम लोग कोई भी लेटर लिख कर करके कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं और उसे फिर ईमेल करके दूसरे जगह भेज देते हैं कंप्यूटर के हेल्प से। टाइपिंग क्या होता है, कीबोर्ड में जो वर्ड और लेटर और नंबर जो हम लोग टाइप करते हैं ना, उसी को बोला जाता है टाइपिंग। अब नाउ एक्सरसाइज रहा बच्चों, अब आप लोग ये एक्सरसाइज खुद से बनाना, जो नहीं बने तो मेरे को बोलना मैं बता दूंगी। ये देखिए मेरे स्टूडेंट्स ने सब बना के रखा है, आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा सारे एक्सरसाइज, और जहाँ जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी आप लोगों को। और आप लोग को अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगा है तो आप क्लास में कंटिन्यू रहिए, मैं नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाऊंगी। तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है वो भी मैं देख लेती हूँ और आप लोग को बता देती हूँ आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नो योर कीबोर्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, एंजॉय लर्निंग।